अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम फंडामेंटल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी स्टेटमेंट है, उसका प्रूफ कैसे करना है उसको देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रेबल फंक्शन के और उसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल, लोअर सम, अपर सम और पार्टीशन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस लेक्चर से पहले वो वीडियो पहले जा कर के देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया हुआ है। फंडामेंटल थ्योरम बाय नेम भी आ सकता है, आप लोगों को इसका स्टेटमेंट मेमोराइज करना पड़ेगा। इफ़ एफ प्राइम इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन ए टू बी एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसका प्रूफ हम लोगों ने देखना है, लेट कर लेते हैं। पी इज अ पार्टीशन एक्स नॉट विच इज ए, एक्स वन, एक्स टू अप टू सो ऑन एक्स आई माइनस वन, एक्स आई अप टू सो ऑन एक्स एन विच इज इक्वल टू बी। ये पार्टीशन है ए टू बी की। अब स्टेटमेंट पर गौर कीजिएगा, एफ प्राइम इज इंटीग्रेबल, इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ प्राइम एग्जिस्ट करेगा ए बी के किसी भी सब इंटरवल पे। हम ले लेते हैं एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई। अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव एक इंटरवल पे एग्जिस्ट करता हो तो वो उसके सब इंटरवल, तमाम सब इंटरवल पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन एक्स आई माइनस वन और एक्स आई। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये कॉन्टिन्यूअस भी है। क्यों? हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द सेम इंटरवल। अगर ये डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है तो मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या बताता है, देयर एग्जिस्ट डब्ल्यू आई विच बिलोंग टू एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई। ये ओपन इंटरवल है, ध्यान में रखिएगा, सच दैट एफ प्राइम ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन। क्या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। क्योंकि हम लोगों ने सब इंटरवल दिया हुआ है एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई, इस वजह से एफ ऑफ बी की जगह हमारे पास एक्स आई, ए की जगह हमारे पास एक्स आई माइनस वन, और एक्स आई बी की जगह है और एक्स आई माइनस वन ए की जगह। अब इसको देखें, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो एफ आई एफ प्राइम डब्ल्यू आई इंटू एक्स आई माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। दोनों तरफ अगर मैं समेशन अप्लाई कर दूं, आई वेरी वन टू एन एफ एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन इज इक्वल टू समेशन आई वेरी वन टू एन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। तो लास्ट
लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि समेशन आई वेरी वन टू एन एफ प्राइम डब्ल्यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस वन किसके इक्वल था, जनरल सम ऑफ गिवन फंक्शन ऑफ पार्टीशन। और अगर मैं इसको ओपन कर लूं, तो हमारे पास क्या बनता है, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। अगर आई इज इक्वल टू वन है तो एफ ऑफ एक्स वन माइनस वन माइनस वन जीरो यानी कि नॉट, फिर क्या आएगा प्लस एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन। अगर आई इज इक्वल टू टू है तो टू माइनस वन एक्स वन प्लस अप टू सो ऑन एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। अगर आप लोग देखें तो ये प्लस है ये माइनस है, इसी तरह एफ ऑफ एक्स वन प्लस है सॉरी एफ ऑफ एक्स टू और इसी तरह एक यहाँ वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स टू की, इसी तरह एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन माइनस का है यहाँ एक प्लस का होगा जो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो चीज़ रिमेनिंग बची है प्लस की एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। एक्स एन किसके इक्वल है, पार्टीशन में हम लोगों ने देखा हुआ एक्स एन इज इक्वल टू बी है तो हमारे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा। तो हमारे पास जो चीज़ बन रही है इस टाइम, तो हमारे पास है जनरल सम ऑफ गिवन फंक्शन ऑफ पार्टीशन इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इफ स्मॉल एम आई इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ प्राइम इन गिवन इंटरवल, और इसी तरह कैपिटल एम आई इज इक्वल टू मैक्स वैल्यू ऑफ फंक्शन इन गिवन इंटरवल, देन एम आई लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एफ प्राइम ऑफ डब्ल्यू आई लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम आई। ये दो वैल्यूज जो हैं ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ये लीस्ट अपर बाउंड है, इससे छोटी कोई नहीं है और इससे बड़ी कोई नहीं। अगर तीसरी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो उसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो इससे इसके इक्वल होगी या इससे बड़ी होगी, या इसके इक्वल होगी या इससे छोटी होगी। अगर ऊपर वाला रिजल्ट जो हम लोगों ने पहले किया हुआ था इस रिजल्ट को देखिएगा, तो हमारे पास बनता है एम आई, अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं एक्स आई माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ डब्ल्यू एक्स आई माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम एक्स आई माइनस वन। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में एक्स आई माइनस वन हर टर्म के साथ जो है ना मल्टीप्लाई कर दिया। अगर अब तीनों टर्म्स के ऊपर मैं जो है ना समेशन अप्लाई करने वाला हूँ, आई वेरी वन टू एन एम एक्स आई माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू समेशन आई वेरी वन टू एन एफ प्राइम डब्ल्यू एक्स आई माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू समेशन आई वेरी वन टू एन कैपिटल एम आई एक्स आई माइनस वन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लीस्ट या लोअर सम के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन, तो ये उसकी डेफिनेशन है। तो हम इसको लिख सकते हैं लोअर सम ऑफ गिवन फंक्शन ऑफ पार्टीशन लेस देन आर इक्वल टू ये जनरल सम ऑफ गिवन फंक्शन ऑफ पार्टीशन लेस देन आर इक्वल टू
ये अपर सम ऑफ गिवन फंक्शन ऑफ पार्टीशन। नेक्स्ट हम इसके ऊपर अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं तो आप लोगों के पास क्या बनेगा, लिमिट नॉर्म अप्रोच टू जीरो लोअर सम ऑफ गिवन फंक्शन ऑफ पार्टीशन लेस दैन आर इक्वल टू जनरल सम। आप लोगों ने पढ़ा हुआ किसके इक्वल है, जनरल सम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के, तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू लिमिट अपर सम ऑफ, अगर लोअर सम के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, लोअर इंटीग्रल एफ प्राइम विच इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू अपर इंटीग्रल ऑफ एफ प्राइम। तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ग्रेटर आर इक्वल दिस लेस देन आर इक्वल टू दिस है विच इज नॉट पॉसिबल। तो एक ही सूरत है जो पॉसिबल है विच इज ए टू बी एफ प्राइम विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये टोटल फंडामेंटल थ्योरम था ऑफ कैलकुलस। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई स्टेप समझ नहीं आया उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।